Guys, Samarullah zinda hai. Call for an ambulance now. मुझे अभी एक ambulance चाहिए बहुत धक्का में. Urgent, now. Actually, skull पर मार लगने की वजह से apical hemorrhage हुआ है. और ब्रेन के जिस हिस्से को स्कल की बोन कवर करती है वहाँ भी इंटरनल ब्लीडिंग है जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है. क्या होश कब तक आएगा डॉक्टर? एक्चुअली ये बताना बहुत मुश्किल है कि पेशेंट को होश वापस कब आएगा या आएगा भी या नहीं. डॉक्टर साहब, समरुल्ला कोई मामूली पेशेंट नहीं है. ये लश्कर बद्र का सेकेंड इन कमांड है और इसका होश में आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब. तो मेडिकली जो भी हो आप करें उसे होश में लेकर आए. श्योर, विल डू आवर बेस्ट. थैंक यू मदन. इस पूरे फ्लोर को जेड सिक्योरिटी मिलो. ओके. बिना मेरी परमिशन के इस फ्लोर पर कोई नहीं आएगा. और अपडेट करो मुझे हर घंटे में. ठीक है डन. चलो चिंटू, अब देखो हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं. अब्दुल्ला. हाँ अब्बू. ये कैसे हिमाकत है अब्दुल्ला? हाँ, ये चूजा बेजान है, बेजुबान. इसको भी दर्द होता है. और अगर हम आपको ऐसे ही पैरों से पकड़कर उल्टा लटकाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको भी दर्द होगा ना, है ना? इसीलिए खुदा का हुक्म है, हमें हमेशा दूसरे की जान की कदर करनी चाहिए. तो फिर आपने उस अंग्रेज को क्यों बांध के रखा है? क्योंकि उस कमज़ोर के पास जबान है लेकिन फिर भी वो खामोश है. लेकिन दर्द तो उसे भी हो रहा होगा ना अब्बू. अब्दुल्ला, तुम अभी इस चूजे के साथ खेलो, हम बाद में बात करेंगे. बम्बई से कॉल है कमांडर. हेलो. सलाम भाई. वालेकुम अस्सलाम. आपका भाई समरुल्ला अभी जिंदा है लेकिन भाई वो हॉस्पिटल में कोमा में और एसओटी की निगरानी में. मेरे भाई समरुल्ला के होश में आते ही उसे एसओटी की कस्टडी से बाहर निकाला. कोई भी हिंदुस्तानी उसको इंटरोगेट नहीं करना चाहिए. जी भाई. आप परेशान मत हुई, मेरे पास एक प्लान. भैया तुम्हारा प्लान नहीं, नतीजा चाहिए. हम पहले ही तुम्हारी ये गलती माफ कर चुके हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरी गलती का नतीजा क्या होगा. जी समझ गया भाई. हबीब. अब्दुल्ला को अंदर खेमे में लेके जाओ. अब्दुल्ला. अभी एक घंटा पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऑफिसर्स ने मीना डायमंड के ओनर जयेश गांधी और किरण गांधी के ऑफिस पर छापा मारा है. बताया जा रहा है कि ये छापा लाखों करोड़ों के बैंक के घोटाले से संबंधित है. हमें अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है. जी हाँ, किरण गांधी को अरेस्ट कर लिया गया है और उनके भाई जयेश गांधी जो इस समय मॉरिशस में है उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है. जस्ट फॉलो मी. आपके भाई जयेश गांधी मॉरिशस में कहाँ छुपे हुए हैं? ना ही मेरे भाई जयेश ने कोई फ्रॉड किया है, ना ही वो मेरा भाई जयेश फरार हुआ है.
वो मॉरिशियस गया है बिजनेस ट्रिप के लिए और कल सुबह में इंडिया वापस लौट रहा है। तो वापस आते ही कोर्ट में सरेंडर करेगा और हमारी कंपनी की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स भी सबमिट कर देगा। सर, लेकिन हमें पता लगा है कि इस घोटाले में बहुत बड़े लोगों का हाथ है, इसके बारे में क्या बताएंगे? जिन जिन लोगों का हाथ है उन लोगों के नाम कल सुबह तक आपके पास आ जाएंगे। हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत है जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के खंभे भी हिल जाएंगे। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। चलिए हटिए। वो कमेंट्स। सर, सेकंड वन क्वेश्चन। प्लीज। ऑफिसर दिस समथिंग। सर। ऑफिसर दिस समथिंग। आपका क्या कहना है इन सब के बारे में? आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। प्लीज नो कमेंट। सर, स्टार्ट जिग्नेश भाई। थोड़ा मटी रही गया। पारिक भाई, ये देखो, किरण गांधी को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगर उसने मुंह खोल दिया ना तो हमारी तो गई भैंस पानी में। अरे मोटा भाई, जब खोटा काम करते हैं ना तो ये हार्ट जो है ना वो स्टेनलेस स्टील का रख लेते हैं। अरे मार्कंड कोऑपरेटिव बैंक, इतनी बड़ी कोऑपरेटिव बैंक, सारा नाम में ही कितना वजन है। इतनी बड़ी कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा जनरल मैनेजर होके तुम एक गरीब चोर के जैसा डरता क्या है? अरे हमारे पास तो पॉलिटिशियन का लाइफ बेल्ट है, क्यों फिकर करते हो? फिकर नॉट। ये घोटाले में तुमको जो 500 करोड़ रुपया मिलने वाले हैं ना, उसके सपने देखना शुरू करो, सपने बुनना शुरू करो। मर्सिडीज बेंज आने वाली है। कैसे पारिक भाई, आप तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को भी इतनी लाइटली ले रहे हो। क्या जसवंत, कैसे हो? सब ठीक है सर, मेहरबानी आपकी। अरे भाई, तुम्हारा बेटा वो लंदन में मेडिकल स्कूल में पढ़ता है ना? यस सर। वो कैसा है? ठीक है सर। जय श्री कृष्ण। किरण भाई, जय श्री कृष्ण। जिग्नेश भाई, आलोक भाई मैंने अरेस्ट कर ली थी, मैं बहुत घबरा गया, फिर भी मैंने आपका नाम नहीं लिया। डरी जाए, कोई पण माणस डरी जाए। अरे भाई, इसीलिए तो मैंने जसवंत से इंट्रोगेशन के पहले तुझे यहां लाने को बोला था। तुझे काउंसलिंग की जरूरत है और मुझसे अच्छा मेंटल डॉक्टर तुझे कहां मिलेगा? किरण, ये डर है ना बहुत बुरी चीज होती है, अच्छे अच्छों को अंदर से खत्म कर देता है। तू सोच, तू जा रहा है और रास्ते में तुझे हार्ट अटैक हुआ तो, या तेरे भाई को मॉरिशियस में कुछ हो गया, पीछे तेरी फैमिली का क्या होगा? जिग्नेश भाई, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। जैसा आप कहोगे मैं और मेरा भाई जयेश वैसा करने के लिए तैयार है। सरस, सुन के अच्छा लगे। अब तुझे एक काम करना है, इंट्रोगेशन में और कोर्ट की पेशगी में गवाही के दरमियान तुझे गिरीश सोमैया का नाम बोलना है। किसका? गिरीश सोमैया। हाँ, कौन है मालूम है गिरीश सोमैया? ये गिरीश सोमैया नाम का कोई आदमी है ही नहीं, कोई एग्जिस्ट ही नहीं होता है, ये सिर्फ पेपर पे। ये मेरा पीए है नैन, वो तुझे एक फाइल देगा गिरीश सोमैया की, वो तेरे वकील को दे देना, वकील को बोलो सबमिट कर दो, ठीक है? तुझे और तेरे भाई को 3 साल की जेल होगी और पीछे तेरी फैमिली एकदम खुश रहेगी। 3 साल जेल में? किरण, गुनाह किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। हाँ, अरे भाई जेल तो नाम की है, सब फैसिलिटीज रहेगी, मैं सब करवा दूंगा, महीने महीने एक बार घर पे जाने को भी मिलेगा। हाँ, सिर्फ 3 साल तुझे और तेरे भाई को जेल में रहना है। अब नक्की तुझे करना है जेल में रहना है या गंगा में अस्थि बनकर बहना है? जिग्नेश भाई, जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। चलस भाई।
वाओ, योर हाइनेस आप खुद चल के फोरेंसिक लैब आ गए, क्या बात है श्रीकांत खात्रे। तुम तो बात करने में भी स्पेलिंग मिस्टेक करने लगी कार्ला। खात्रे? वो बशीर तुम्हें पीठ पीछे खात्रे बुलाता है। अच्छा? खात्रे? ये बशीर का सेंस ऑफ ह्यूमर अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? वो 10 मिनट पहले यही था ना। हाँ, तुमसे ही मिलने आया होगा। इस काम का कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ तुम्हारे पास है। टेंशन मत लो, बशीर मेरे टाइप का बिल्कुल भी। वो रुबीना की बॉडी के बारे में पूछने आया था। अच्छा, रुबीना से याद आया? उसके नाखून से तुम्हें किसी के स्किन के ट्रेसेस मिले थे? हाँ, उसकी हाथों की उंगलियों से काफी सारे स्किन के बारीक से ट्रेसेस मिले। इट सीम्स एज इफ अपने आप को बचाने के लिए उसने अटैकर को नाखूनों से नोचा था। शाम तक डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी। गुड, फिलहाल वो रिपोर्ट्स कमिश्नर के ऑफिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एसओटी के लिए। ओह, तो तुम मुझसे मिलने नहीं इस काम के लिए आए थे? पर तुम तो डिसमिस हो ना, मैं तुमसे ऑर्डर्स की। मुझे तो लगता था तुम मेरी साइड पर हो कार्ल। थोड़ी थोड़ी तुम्हारी साइड हूँ श्रीकांत, बट मैं रूल्स ब्रेक नहीं कर सकती। तो बैंड कर दो, कल शाम तक मेरी तरफ से ऑफिशियल ईमेल मिल जाए। अच्छा, जहाँ तक रूमर्स है आज इंक्वायरी कमीशन तुम्हें एसओटी से डिसमिस करने वाली है। भाई तो शर्त लगा लो, अगर आज शाम को मैं डिसमिस नहीं हुआ तो काला रोड्रिगी के साथ मार देना। और अगर मैं शर्त हार गया तो डिनर मेरी तरफ से। ये एसओटी का 2 करोड़ चोरी करने का क्या कांड किया तुमने? हाँ, कुछ ना कुछ लफड़ा करते रहता तू। साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इंक्वायरी कमीशन को बताना चाहता हूँ कि एसओटी के पैसे मैंने चोरी नहीं किए थे, सिर्फ बोरो किए थे। बोरो किए थे? जी सर। मतलब उधार लिए थे? हो सर, और इस बारे में मैंने चीफ एंथनी से भी बात की थी। 2 करोड़ श्रीकांत, आर यू जोकिंग? नहीं, सिचुएशन कोई भी हो, किसी इन्फॉर्मर को 2 करोड़ देने से पहले हमें होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, एंड दैट विल टेक 24 आवर्स। लेकिन 24 घंटे कैसे वेट कर सकते हैं सर? इन्फॉर्मेशन नेशनल सिक्योरिटी के ब्रीच की है, अगर रूल्स और प्रोसीजर्स के चक्कर में फंसे रहेंगे। रूल्स श्रीकांत, रूल्स आर रूल्स, और मैं प्रोसीजर्स को बाईपास करके तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। ये कहता है? जी सर। वैसे एसओटी के सेफ का पासवर्ड तो तुम्हें पता है? और मैं 15 मिनट के लिए ऑफिस में नहीं हूं, तभी ना? By the way, हो सकता है इसके लिए तुम्हारे पर एक इंक्वायरी बैठे या मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़े। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं सर, मुझे इनडायरेक्ट एक्शन ज्यादा पसंद है। रवीना वाज प्रेजेंटर साहब जी, उसे सब पता है। एक्चुअली वो पैसे मुझे अपनी इन्फॉर्मर रुबीना को देने थे, उसके पास नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। बोलो क्या इन्फॉर्मेशन थी? आज दोपहर की फ्लाइट BA 818 से हसन जोसफ नाम का आदमी मुंबई लैंड करने वाला है। उसका मकसद है लश्कर बद्र के लिए कुछ 2000 करोड़ की डील करना। लश्कर बद्र? वो टेररिस्ट आउटफिट? हाँ। कौन सी डील है ये तो मुझे नहीं पता, नेशनल डिफेंस का मामला है, और अगर ये डील हो गई ना तो देश के लिए बहुत खतरा हो सकता है। इधर तक तो बात समझ में आ गया, पर वो छोकरी रुबीना को 2 करोड़ रुपया जो दिया था वो गायब किधर हो गया? सर, ये रहे SOT के 2 करोड़ रुपए।
एब्सोल्युटली सेफ विद अस सर। सर आई स्ट्रांगली फील कि श्रीकांत का नील की बॉडी को टेररिस्ट को सौंपना एक बहुत रिस्की एक्ट था सर, जिसकी वजह से लॉन्च कोड्स का समरुल्ला के हाथों में पड़ने का 90% तक चांसेस था। 90% नहीं, 100% चांस था सर। और नील की बॉडी को मॉक से निकालने के बाद सबसे पहले मैंने उस 100% रिस्क को 0% कर दिया। नील की आंखों में मैंने पिगमेंटेड सॉल्यूशन डाला था, जिसकी वजह से समरुल्ला उस बायोमेट्रिक लॉक को खोल नहीं पाया। इसकी आंख का पिगमेंट चेंज हो गया, ये लॉक नहीं खुलेगा। अब इस केस को लेकर और कोई डाउट है तो बता, मैं क्लियर कर देता हूं। श्रीकांत दिक्रा, मेरा अखा करियर में तुम्हारे जैसा जिलेबी टाइप ऑफिसर मैंने किधर नहीं देखा। तुम्हारे को ये इंक्वायरी कमीशन सस्पेंशन का बहुत शौक है क्या? दूसरा ऑफिसर का माफिक तुम सीधा उंगली घी क्यों नहीं निकालता है? इस वक्त मैं तुमको सब चार्ज से बरी कर रहा हूं, पर नेक्स्ट टाइम जब घी निकालो ना तो चमचे से निकालो, वरना तुम्हारा घी निकाल दूंगा। ओ सर जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय जेंटलमैन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेल गाइज, आप लोगों के लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। एसओटी के नए चीफ को फाइनलाइज करने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसीलिए कमीशन बोर्ड ने टेम्पररी चीफ के लिए एक नाम डिसाइड किया है, और वो नाम है श्रीकांत महात्रे। एक्सक्यूज मी सर, ये तक करप्शन के 17 केसेस चल चुके हैं इस आदमी पर, ये चीफ बनाने के लायक है, और आज तक उसमें से एक भी केस प्रूव नहीं हुआ है। कैसे हो जाएगा प्रूफ, कैसे होगा प्रूफ? सर जब पॉलिटिशियंस मेहरबान होंगे तो इस जैसा गधा तो पहलवान ही बनेगा ना। सर ये सब लोग मेरी काबिलियत के बारे में अच्छी तरह जानते हैं सर। एज एन आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर मैंने 7 साल एक्टिव ड्यूटी करी है सर, जिसमें 3 साल मैंने अपनी टीम को लीड किया। और सर सबसे कमाल की बात तो ये है कि एसओटी में मेरे सिलेक्शन का मेन रीजन मेरी लीडरशिप क्वालिटीज ही था, लेकिन आप मुझे चीफ नहीं बनाएंगे सर। और मैं इसलिए नहीं कह रहा सर कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम है, जेलेसी कुछ नहीं है मुझे इससे, बस मैं अच्छी तरह जानता हूं सर कि मैं ये पोस्ट डिजर्व करता हूं। बशीर, श्रीकांत का नाम डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री से रेकमेंडेड हुआ है। ये नाम ही तो सारे फसाद की जड़ है सर, बशीर अहमद खान। बशीर, एसओटी धर्म और पॉलिटिक्स से ऊपर है। एसओटी का फुल फॉर्म जानते हो ना? सर्जिकल ऑपरेशंस टीम। और तुम में से हर एक अपने अपने फील्ड में मास्टर है, और फिर भी तुम्हें श्रीकांत के अपॉइंटमेंट पे शक है? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरह से बात करोगे। सॉरी सर, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, कांग्रेचुलेशन श्रीकांत। थैंक यू सर। मुझे पूरी यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाओगे। जी सर, आई डू माई बेस्ट। सी यू गाइस। हाँ बट बशीर जैसा सुलझा हुआ ऑफिसर ऐसे रिएक्ट करेगा, वो भी कमिश्नर प्रताप के सामने? आई मीन इट्स हार्ड टू बिलीव यार। That's not make a big deal out of this. हम सब जानते हैं बशीर कितना short tempered है. I'm sure he didn't mean what he said. Didn't mean what he said? He actually meant every word that he said. And I support him. या तुम्हें नहीं लगता है कि ये श्रीकांत को चीफ बना देना it's a totally biased opinion? You're right, मदन. Hi guys. So guys, आज एज चीफ ऑफ एसओटी मेरा पहला दिन है, और आज के बाद हम सब लोग सिर्फ एक ही रूल फॉलो करेंगे, और वो है नो रूल्स। क्रिमिनल जस्टिस के लिए हम हर हथकंडा अपनाएंगे। अगर कोई कमिटमेंट तोड़नी पड़े तो तोड़ेंगे, अगर कोई एडजस्टमेंट करने पड़े तो करेंगे, क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं मेरी लाइफ का एक ही फंडा है, नो रूल्स नो कमिटमेंट।
ओनली एडजस्टमेंट। यस चीफ। और हाँ, एक और बात, आज के बाद आप लोग मुझे चीफ कहकर नहीं बुलाएंगे, सिर्फ एक ऑफिसर को छोड़कर। और वो ऑफिसर है खुद मैं। सो गाइज, एसओटी का नया चीफ कौन? मैं। गुड। अरे बशीर कहाँ जा रहा है? टॉयलेट चलोगे? अरे नहीं नहीं ठीक है, हल्का हो ले, आई विल जॉइन यू लेटर। किरण भाई, आगी रीज तो मैं नहीं फाइल से। ठीक छे, હું પછી જોઈ લઈશ। માય લોર્ડ, 20,000 crore का फ्रॉड मेरे क्लाइंट ने नहीं बल्कि रिया डायमंड्स ने किया है, जो एक लंदन बेस्ड कंपनी। मेरे क्लाइंट ने रिया डायमंड्स को मार्कन कोऑपरेटिव बैंक से 20,000 crore की बैंक गारंटी दिलवाई थी, जिसका इस्तेमाल करके रिया डायमंड ने लंदन के मैकेंजी बैंक से 20,000 crore रुपए का लोन लिया और उसे कभी वापस नहीं किया। मैकेंजी बैंक ने वो 20,000 crore रुपए मार्कन कोऑपरेटिव बैंक से वसूल किया। मेरे क्लाइंट ने यह काम सिर्फ कमीशन बेसिस पे किया और इनका इस फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं। इस फ्रॉड के असली कर्ता धर्ता जिग्नेश पारिक हैं, जो रिया डायमंड के मालिक हैं। सर, जिग्नेश पारिक के खिलाफ मेरे क्लाइंट के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे 20,000 crore नहीं बल्कि कई लाखों करोड़ों के घोटाले सामने आए। सबूत इस वक्त आपके क्लाइंट के पास हैं? जी नहीं माय लॉर्ड, वो सारे सबूत मेरे क्लाइंट के भाई जयेश गांधी के पास हैं, जो इस वक्त मॉरिशस में, लेकिन वो कल दोपहर की फ्लाइट से मुंबई वापस आ रहे हैं। इन द मीन टाइम उन्होंने CBI को एक ऑडियो स्टेटमेंट जारी किया है, जिसकी एक कॉपी मैं आपको पेश कर रहा हूं, और साथ में उनकी कन्फर्म टिकट की जीरोक्स कॉपी भी है। माय लॉर्ड, मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि मेरे क्लाइंट को आज ही बेल दी जाए, क्योंकि विजिलेंस ब्रांच के पास सिवाय शक के और कुछ नहीं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। सिर्फ शक की बिना पर मैं किरण गांधी को रिमांड पर लेने की परमिशन नहीं दे सकता। बेल इज ग्रांटेड ऑन ए पर्सनल बॉन्ड ऑफ 50 crore rupees। द कोर्ट इज एडजर्न। अरे जिग्नेश भाई, उसने तो कोर्ट में आपके नाम की उल्टी कर दी और बेल भी मिल गई उसको। आजकल इमाम धर्म का तो टाइम ही नहीं रहा। जय श्री कृष्ण जयेश भाई। जय श्री कृष्ण। कोर्ट में शू थे किरण? जमानत मिल गई, बस तू अब जल्दी खड़ा जा। काले सवारे, मॉरिशस से मैं वापस आ रहा हूँ और सीधा कोर्ट में जाके सरेंडर कर दूंगा। और एक बार कोर्ट के सामने सारे सबूत आ गया ना, तो सबको पता चल जाएगा कि इतने बड़े घोटाले के पीछे असल मां मानस जिग्नेश पारेख थे। अरे जिग्नेश पारेख के मने भी फोन पर धमकी आपी थी, ये कहीं भी करी सके। ध्यान रख जे, सिक्योरिटी अगर क्यारे भी बाहर नहीं निकलतो तो सामने जे मारी बात। तुम्हें भी ध्यान रख जे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
गाड़ी मेट्रो सिग्नल पे एक सेकंड पे आ रही है। ये जयेश गांधी है, मीना डायमंड्स का फाउंडर और को ओनर, और ये है उसका भाई किरण गांधी, मीना डायमंड्स का अदर हाफ। इन दोनों भाइयों के ऊपर 20,000 करोड़ का बैंक फ्रॉड का इल्जाम है। किरण गांधी को बेल मिल गई थी, लेकिन आज ही उसका मर्डर हुआ है। जयेश गांधी कल सुबह 12 बजे मॉरिशस से मुंबई आ रहा है। हमें डाउट है कि उसके ऊपर भी अटैक हो सकता है, इसलिए एसओटी की टीम जेड सिक्योरिटी कवर में उसे एयरपोर्ट से थाने कोर्ट तक पहुंचाएगी, जहां पर कल वो सरेंडर होने वाला है। एंड श्रीकांत, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डोंट वरी सर, वी विल टेक केयर ऑफ इट। जयेश गांधी के पास ऐसे कुछ क्रूशियल प्रूफ्स है जिससे बड़े बड़े और पावरफुल लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें से एक नाम है जिग्नेश पारेख, द डायमंड मर्चेंट। जिग्नेश पारेख के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ क्लोज रिलेशंस हैं। बिना कोई ठोस सबूत के हम जिग्नेश को हाथ भी नहीं लगा सकते। होम मिनिस्ट्री ने यह केस एसओटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है। और एक बात, यह सिर्फ 20,000 करोड़ का मामला नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ का मामला है, जिसे मार्कंड कोऑपरेटिव बैंक ही नहीं बल्कि देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम भी कोलैप्स हो सकता है। इन शॉर्ट, कल जयेश को एयरपोर्ट से थाने कोर्ट तक सही सलामत पहुंचाना और इस केस की जड़ तक पहुंचना, अब ये एसओटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ चीफ, दिस इज योर फर्स्ट असाइनमेंट श्रीकांत। आई विश यू एंड योर टीम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सो आई वाज ट्राइंग टू टेल यू दैट वी हैव टू डू समथिंग। सो गाइस, हियर इज द प्लान। कल दोपहर 12 बजे जयेश गांधी मॉरिशियस से मुंबई लैंड करेगा। जिस तरह किरण गांधी को मारा था, उस तरह उस पर भी अटैक हो सकता है। मदन, मुझे वहां पर एक बुलेट प्रूफ कार चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डायमंड स्मगलिंग केस में इस्तेमाल किया। कार का इंतजाम हो जाएगा। आई थिंक बुलेट प्रूफ कार के साथ हमें और मैन पावर भी रखना चाहिए, और उसके साथ मुझे दो और गाड़ियां चाहिए जिसमें हमारे 10 आर्म्ड ऑपरेटिव्स रहेंगे। हम सब लोग एक घंटा पहले ही एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। ये दोनों गाड़ियां उस बुलेट प्रूफ कार को क्लोजली फॉलो करेंगे। पीछे ले गाड़ी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।